लहरों से डर के नौका पार नहीं होती, लहरों से डर के नौका पार नहीं होती और मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। जैसा दोस्तों आप देख रहे हैं, हमारे साथ एक स्टूडेंट है हमारा, और जैसा कि मैं ये आपको जो बोल रहा हूँ वो इस वजह से बोल रहा हूँ कि इस बंदे ने कम से कम 7 बार रेस मारी है और आज भी हिम्मत नहीं हार रहा है। मैं ऐसे बंदों से मिलता ही रहता हूँ और ये बच्चा जब से रेस स्टार्ट किया तो कहीं ना कहीं अपनी मेहनत को जारी रखा और ये जो आप एडमिट कार्ड देख रहे हैं किसी ना किसी चीज़ में ये बाहर होता रहा। आइए जानते हैं कि इस बंदे के अंदर क्या है ऐसा कि ये आज भी हिम्मत ना हार के अपनी तैयारी को जारी रख रहा है। और इसका एक प्रण है कि मैं भारतीय सेना में एक ना एक दिन भर्ती होकर दिखाऊंगा और सेना की नौकरी जरूर करूंगा, देश सेवा जरूर करूंगा। आइए जानते हैं, क्या नाम है? अतुल शर्मा। बेटे ये जितनी भी आपने रेसें क्वालिफाई की तो आपने किस कॉन्फिडेंस के साथ ये रेसें क्वालिफाई की? सर देश सेवा करने का एक जो जुनून होता है वो बहुत ही सौभाग्य लोगों को मिलता है और मैं शुक्रगुजार हूँ कि ये सौभाग्य मुझे मिल रहा है कि आपके सानिध्य में रह करके मैं इस पथ को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। अभी बेटे ये जितने आपने रेसें मारी, बहुत सारे बंदे होते हैं एक या दो बार रेस मार के अपने आप को साइड कर लेते हैं, दूसरा धंधा वगैरह जो भी करने लगते हैं अपने माँ बाप के साथ, लेकिन बेटे आपके अंदर ये कौन सा अंदर से जुनून है जो आपको बिल्कुल इंडियन सेना की वर्दी पहनने के लिए मजबूर कर रहा है? आप बाहर हो रहे हैं फिर भी आप अपने जुनून को कम नहीं कर रहे हैं। जैसे आपने कहा शुरुआत में, कहा कि लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, तो उसी में कहना चाहूँगा कि ये जो है मेरे विफलताएं हैं तो मैं आगे देश सेवा करने के लिए तत्पर हूँ और इसीलिए मैं आज भी यहाँ पे। तो बेटे ये जो एडमिट कार्ड है आपके, ये बहुत सारे बंदों को मिलने के लिए बहुत सारे बंदे तरसते हैं। बिल्कुल ठीक है। ये आपने जो पहला एडमिट कार्ड है आपने किस सेंटर में रेस मारी थी? ये मेरा है अहमदनगर का आर्मर सेंटर का है। और ये बेटे? ये मेरा है आरटी सेंटर का है, हैदराबाद का है। ये वाला है मेरा सिकंदराबाद का है। मेरा ये सिकंदराबाद का है। ये कहाँ सर? ये मेरा नासिक का है, त्रिपाल का है। और ये है रुड़की का, गेट पास मिला था। और ये एक बार और नासिक में मैंने रेस मारी थी, उसके बाद मेरा डॉक्यूमेंट में रह गया था। और ये था गेट पास मुझे मिला था एमसी सेंटर में, तो पुलिस वेरिफिकेशन से मेरा रह गया था। तो दोस्तों मैं इस वीडियो के माध्यम से उन बंदों को संदेश देना चाहता हूँ जो इंडियन आर्मी की तैयारी करते हैं, जैसा कि ऐसे बंदे बहुत कम मिलते हैं कि जो तैयारी बहुत बार ये बंदा बाहर हुआ, 7 बार तो कम से कम हो ही गया और एक दो बार और देखा होगा, लेकिन अभी भी ये बंदा हिम्मत नहीं हारता और इसके अंदर एक जुनून है कि मैं इंडियन आर्मी की सेवा करूंगा और इंडियन आर्मी भर्ती होऊंगा। तो दोस्तों अगर आप कहीं ना कहीं डीमोटिवेट हो रहे हैं तो आप ऐसे बंदों को आप मिल सकते हैं और जान सकते हैं कि ये बंदे कितने इंडियन आर्मी के जुनूनी। बहुत सारे बंदे ऐसे हैं जैसा कि हमारे एकेडमी में जो बहुत सारे बंदे हैं तैयारी भी कर रहे हैं और कम से कम 5-6 बार रेस क्वालिफाई करने के बाद फिर भी तैयारी करते ही रहते हैं। कई मेरिट से बाहर होते हैं, कई मेरिट स्केल से बाहर होते हैं, कई डॉक्यूमेंट से बाहर होते हैं, कहीं ना कहीं छोटी छोटी गलतियों से बाहर होते हैं। और दोस्तों अगर आपको इन गलतियों से बचना है तो मैं अगला वीडियो लेकर आऊँगा, छोटी छोटी गलतियाँ, उसमें हम बताएंगे कि आप किन किन चीज़ों से बाहर हो सकते हैं। अभी हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।